दोस्तों यूट्यूब को हासिल करने की एक्चुअल तरीका क्या है, सबसे पहले आपको पता करना चाहिए यूट्यूब क्या चाहता है, यूट्यूब पर कैसे काम करना है, आपको कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे वीडियो शूट करना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप लोग के माइंड में एक ही सवाल होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ यूट्यूब के बारे में। मैं एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके जो ब्लड है, जो ब्लड ग्रुप है ए प्लस है, और आपकी बॉडी में ब्लड की जरूरत है, और आपने ओ प्लस या बी प्लस ब्लड जो है डलवाया है, क्या आपकी बॉडी में मैच करेगा? तो सेम आपको ये चीज समझना होता है कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये चीज आपको सबसे पहले समझना होगा। देखिए यूट्यूब की एल्गोरिदम आज तो किसी ने नहीं समझ पाया कि आखिर किस तरह यूट्यूब की एल्गोरिदम काम करता है, लेकिन कुछ आइडिया मिल जाता है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होता है जिन्होंने यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहा है एक एक महीने में, उन्हें लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि यूट्यूब ने इसी तरह काम करता है। वीडियो डालने के बाद यूट्यूब ने कब बूस्ट करता है, बूस्ट करने के पीछे रीजन क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज पता करने के लिए आपको क्या करना है कि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को आपको समझना पड़ेगा कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। YouTube ने आपको जो पैसा देता है, YouTube ने चाहता क्या है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। YouTube और YouTube से पैसा कमाने का जो रास्ता है बिल्कुल आसान है, लेकिन YouTube पर वीडियो डालने से पहले YouTube के जो कल्चर है, YouTube की जो क्राइटेरिया है, YouTube की जो मतलब जो पसंदीदा चीज है, आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक YouTube चैनल ओपन किया है, क्रिएट किया है, वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, अभी तो शुरू हो रहा है, और आखिर यूट्यूब ने कब चैनल को बूस्ट करता है, आज आप लोगों के साथ बिल्कुल काश की तरह एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप वीडियो को शुरू से सुनिए, उसके बाद चैनल पर काम कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। देखिए एक चैनल क्रिएट करने के बाद जब फर्स्ट वीडियो डालते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड में यह होता है कि आज मुझे यह वीडियो फर्स्ट वीडियो अपलोड करना है, लेकिन दो से तीन वीडियो अपलोड करने के बाद आपको ये आइडिया नहीं आता है कि आज क्या वीडियो अपलोड करना है। तो आइडिया आपको कैसे निकलना है, आइडिया निकलने के लिए जब आप YouTube पर शुरुआत करते हो तो आपके पास जरूर मतलब पैसा की जो कमी है जरूर है, इसलिए आप YouTube पर आए हो YouTube से पैसा कमाने के लिए। तो जब आप YouTube स्टडी करते हो तो स्टडी करते समय आपको और भी काम करना पड़ता है, जैसे कि आपको अदर काम करना पड़ता है, और बीच में आपको गैप यानी कि टाइम देना होता है YouTube के लिए, एक घंटा चाहे दो घंटा टाइम देना होता है YouTube वीडियो शूट करने के लिए। तो जब आप शूट करते हो इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आइडिया सोचने में कि आज कौन सा वीडियो डालना है, किस तरह वीडियो होना चाहिए, ये आइडिया लेने के लिए जो टाइम होता है बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है कि आज का जो वीडियो है कौन सा टॉपिक पर होना चाहिए। यह आइडिया लेने के लिए सबसे बेस्ट जो टाइम है, मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप रात खाना पीना कंप्लीट करने के बाद सोते समय माइंड फ्री हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए अभी मोबाइल रख दिया है और आप सोने के लिए तैयार हैं, उस टाइम आपको आइडिया लगाना है कि कल क्या वीडियो अपलोड करना है। देखिए बिल्कुल आसानी से आपके माइंड में ये सोच मिल जाएगा कि हाँ ये वीडियो कल अपलोड करना है, या आप YouTube पर रिचार्ज कर सकते हैं कि कल कौन सा वीडियो अपलोड करना है। काफ़ी बार तो मेरे पास भी ऐसा होता है कि वीडियो की जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं मिलता है, तो टॉपिक कैसे लाना है, कौन सा मतलब आइडिया लगाना है, कैसे ये काम करना है, कैसे टॉपिक फाइंड करना है, ये चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब आप रात सोते समय ये चीज करते हो, टॉपिक फाइंड कर लेते हो, तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, टॉपिक फाइंड करने के बाद एक मोबाइल फोन में आजकल नोटपैड है यानी कि नोट एप्लीकेशन है, उस नोट पर लिख के रखना है कि इस टॉपिक पर मुझे सुबह वीडियो शूट करना है। वरना आप क्या होता है कि रात जो आइडिया सोचते हो यह आइडिया सुबह भूल जाते हो, इसलिए आपको लिख के रखना है या पेपर पर लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपने फाइंड किया है उस टॉपिक पर आपको एक सबसे पहले थंबनेल क्रिएट करना होता है,
काफी लोग वीडियो शूट करने के बाद थंबनेल क्रिएट करते हैं। देखिए थंबनेल आगे क्रिएट करने की मतलब क्या है, फायदा क्या है। थंबनेल आगे क्रिएट करने की फायदा यह है कि जब आप थंबनेल पर टाइटल सॉरी जो कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, जो कीवर्ड आप यूज करेंगे, उसी कीवर्ड के मुताबिक आप वीडियो पर मतलब वीडियो जब शूट करते हो तो उस टाइम बात करेंगे। अगर आपने वीडियो शूट कर लिया है और उसके बाद आपने थंबनेल क्रिएट किया है तो आपको उस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा कि इस वीडियो पर आपने बताया क्या है, और उसी उसी से आपको थंबनेल जो है क्रिएट करना होता है। तो यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट होता है वीडियो शूट करने से पहले जब आप आइडिया सोच लेते हो तो उस आइडिया के ऊपर थंबनेल क्रिएट करना है, उसके बाद वीडियो को शूट करना है। उसके बाद वीडियो अपलोड करने से पहले आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन मतलब इस वीडियो के लिए कौन सा टैग परफेक्ट होता है ये चीज आपको लिख के रखना है या नोट पर मतलब लिख के रख देना है। टाइटल क्या होता है रिचार्ज करके कंप्लीट रख देना है। डिस्क्रिप्शन पर क्या क्या टैग मेंशन करना है, क्या क्या मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना है, सब कुछ रेडी करना है। जब वीडियो अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करते समय कुछ समय प्रोसेसिंग होता है, आपको जरूर पता होगा। प्रोसेसिंग की जो टाइम होता है उस टाइम पर यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को एक सिग्नल चला जाता है कि इस वीडियो जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हो उस वीडियो को किस ऑडियंस के लायक है। तो जब वीडियो अपलोड कंप्लीट होता है, जब आप पब्लिश करते हो, पब्लिश करने के बाद यूट्यूब को पूरा पता चल गया कि किस ऑडियंस के लिए आपकी वीडियो है, तो उसी मतलब बिल्कुल जेन्युइन ऑडियंस के सामने आपकी वीडियो जो है यूट्यूब ने रिकमेंड करता है, और आपके वीडियो पर व्यूज आने की जो चांसेस होता है काफी हाई होता है, याद रखना है। बात करते हैं कि यूट्यूब वीडियो शूट करना काफी आसान हो सकता है, यूट्यूब वीडियो अपलोड करना काफी आसान हो सकता है, लेकिन वीडियो के जो एसईओ है, एसईओ सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब है जब आप वीडियो की एसईओ कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपके वीडियो यूट्यूब पर ग्रो करने में काफी टाइम लग सकता है, अदरवाइज आपकी वीडियो वहां बैठ जाता है। रीजन ये है कि आपने जब वीडियो डाला है डालते समय आपने एसईओ कंप्लीट नहीं कर पाया है, इसलिए यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, बात समझ लीजिए, एल्गोरिदम की और आपकी जो वीडियो है दोनों कनेक्ट नहीं हो पाया है। मैं एक आसान तरीका आप लोगों को समझा देता हूं। मान लीजिए आप कहीं पर जाने के लिए तैयार हैं और आपको जाना है ट्रेन से, तो जब आप ट्रेन में सफर करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक टिकट लेना होता है काउंटर से। जब आप काउंटर वाला को पूछेंगे कि भाई मुझे एक टिकट देना है, तो काउंटर वाला जरूर आपको पूछेंगे कि भाई आपको जाना कहाँ है। अगर आप कहते हो कि मुझे मालूम नहीं, तो क्या आपको टिकट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको कंफर्म ये बताना होगा कि आप मुझे यहां जाना है या वहां जाना है, तो उस पर काउंटर वाले ने आपको एक टिकट दे देगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि देखिए मुझे पता नहीं, तो क्या आपको टिकट मिलेगा? बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। जो वीडियो आप YouTube पर डालेंगे उस वीडियो की एसईओ जो है कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो YouTube की जो एल्गोरिदम है एल्गोरिदम के साथ कनेक्ट हो पाएगा, और उसके बाद एल्गोरिदम को जब पॉजिटिव सिग्नल चला जाएगा आपके वीडियो पर व्यूज आने में कोई नहीं रुक सकता है। अब बात करते हैं कि YouTube जब वीडियो आप शूट करते हो, शूट करने में दो तरीका होता है या वीडियो के लिए दो स्टाइल होता है। एक तो है नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी। कौन सा बेस्ट होता है, क्या क्वांटिटी बेस्ट होता है या क्वालिटी बेस्ट होता है? ये जो सवाल होता है इस सवाल की कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्वालिटी क्या होता है और क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड दोनों क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, और एक क्रिएटर्स ने हफ्ता में एक वीडियो अपलोड करता है और एक फ्रेंड ने हफ्ता में 7 वीडियो अपलोड करता है, तो आप दोनों या आप डिसाइड कर लीजिए कि जो 1 वीक में एक वीडियो अपलोड करता है और 1 वीक में 7 वीडियो अपलोड करता है, कौन सा वीडियो बेस्ट होता है। 1 वीक में जो एक वीडियो अपलोड करता है ये वीडियो बेस्ट होता है, क्योंकि एक हफ्ता में सोच समझ के एक वर्ड को वीडियो पर जब कहा है एक वर्ड गलत नहीं होता है, और आप
हफ्ता में 7 वीडियो अपलोड कर रहे हो, इसलिए आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हो इसको कहा जाता है क्वांटिटी, यानी कि आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। और जो क्वालिटी वीडियो दे रहा है ये क्वालिटी बढ़ा रहा है। जो चीज मार्केट में यूनिक होता है, डिमांड होता है, यानी कि मार्केट में कम होता है, इन्हीं जो चीज होता है काफी हाईबुल डिमांड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए चावल, दाल, ये सब मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप 10 रुपए में मिठाई लेना चाहते हो तो 10 रुपए में कुछ भी आप मिठाई ले सकते हो। लेकिन 10 रुपए में अगर आप ग्रेप्स, अंगूर आप खरीदना चाहते हो तो आपको कितना मिलेगा? देखिए, बिल्कुल बहुत ही कम मिलेगा, कम मात्रा में आपको मिलेगा। तो सेम इसी तरह देखिए, इतना सोने की दाम कितना होता है, ये क्वालिटी में आता है। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होता है। अगर हफ्ता में या महीने में 2 वीडियो अपलोड करते हो तो आप जो वीडियो अपलोड करेंगे इस वीडियो सबसे ज्यादा बेटर होता है। और जो क्वांटिटी में वीडियो अपलोड करता है कि ना मुझे डेली वीडियो अपलोड करना है, तो ये वीडियो किसरा होता है, किसरा की तरह वीडियो होता है। तो क्वालिटी वीडियो अपलोड करने के बाद लोग ज्यादातर पसंद करते हैं और आपके चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं। और जो क्वांटिटी वीडियो दे रहा है तो लोगों को लगता है कि ये तो बार बार, मतलब जैसे तैसे वीडियो ऑडियंस को प्रोवाइड करता है, तो ये वीडियो से कुछ काम नहीं आने वाला है, छोड़ो वीडियो क्लिक मत करो लगता है। इसलिए भाई आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजों में बहुत फर्क पड़ता है, याद रखना है। आप बात करते हैं कि वीडियो कब अपलोड करना है, कब वीडियो अपलोड करने से आपकी वीडियो पर ज्यादातर व्यूज आने का चांस होता है। देखिए, टाइम आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स की बैच है तो आप मतलब सुबह वीडियो डाल सकते हो, दोपहर वीडियो डाल सकते हो, जब भी मन होता है तब भी आप वीडियो डाल सकते हो। लेकिन अगर आप YouTube पर एक न्यू क्रिएटर से, तो आपको एक टाइम फिक्स्ड करना होता है। उस टाइम ऐसे फिक्स्ड करना है कि उस टाइम के साथ YouTube की जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को पता चलना चाहिए कि इस क्रिएटर्स ने उस टाइम को वीडियो अपलोड करता है, एक पॉजिटिव सिग्नल जाना चाहिए। तो बेस्ट टाइम कौन सा टाइम होता है? देखिए, अगर आप सुबह वीडियो अपलोड करते हो, बिल्कुल सुबह सुबह वीडियो अपलोड करते हो, तो काफी लोग तो ऐसे हैं कि सुबह लेट से उठते हैं, 9 बजे, 8 बजे, जिसका ऑफिस जला है मतलब नहा धो के ऑफिस चला जाता है, जिसका अदर काम है अदर काम के लिए नहा धो के काम में चला जाता है, दोपहर वीडियो अपलोड करते हो। काफी सारी आजकल स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, तो स्टूडेंट चाहे कॉलेज स्कूल वगैरह में होता है, जो ऑफिस में चला जाता है शाम 4 बजे, फिर वापस लौटता है। तो आपको टाइम कौन सा टाइम बेस्ट है वीडियो डालने की? वीडियो डालने की टाइम सबसे बेस्ट यह होता है कि 6 से 7 बजे के अंदर आपको वीडियो पब्लिश कर देना है। उस टाइम सारी मतलब ऑडियंस एक तरह से फ्री होता है, कोई पबजी गेम खेलता है, कोई आधा कुछ करता है, कोई फेसबुक चलाता है। तो जब आप वीडियो उस टाइम पब्लिश करेंगे तो काफी लोग आपकी वीडियो वॉच करने की चांसेस होता है। ये चीज आपको माइंड में रखना है। और एक चीज देखिए, सबसे लास्ट ये पॉइंट सबसे पहले होना चाहिए लेकिन अचानक ये लास्ट में आ गया है, जो थंबनेल है। पोस्टर देखकर लोग कुछ भी करते हैं, जो एड्स होता है यूट्यूब की, जो एड्स होता है एडवर्टाइजमेंट, ये होता है पोस्टर। यूट्यूब की जो थंबनेल क्रिएट करेंगे तो थंबनेल पर जैसे तैसे कीवर्ड आप यूज ना करें, एक ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल कीजिए जिस कीवर्ड ऑडियंस को जब देखकर बिना क्लिक करके आपकी वीडियो नहीं जा पाएगा, ऐसा कीवर्ड आपको यूज करना है। अदरवाइज आप जैसे तैसे कीवर्ड यूज नहीं करना है जिस कीवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, जैसे कि ग्रांटेड, 100%, इसी तरह जो कीवर्ड होता है ज्यादातर वैल्यू है, लोगों की सामने वैल्यू होता है, एक वैल्यू क्रिएट होता है और उसके बाद ऑडियंस आपके वीडियो पर क्लिक करता है, याद रखना है। और जो कलर कॉम्बिनेशन है थंबनेल पर, ये चीज काफी मैटर करता है। ये चीजों पर आपको ध्यान देना है कि कलर कॉम्बिनेशन, मान लीजिए आप थंबनेल की बैकग्राउंड व्हाइट रखा है और आपने व्हाइट की तरह एक जो आपने कीवर्ड यूज किया है उस कीवर्ड की कलर डाल दिया है, क्या आपको इंगेज करेगा उस कीवर्ड से? क्या आपको रीच बढ़ेगा? बिल्कुल ही नहीं। आपको ये चीज ज्यादातर मैटर करता है। तो ये चीज जब आप लिखेंगे थंबनेल पर आपको काफी सोच समझ के काम करना है।
मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।